हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं WPL फाइनल की। दिल्ली और RCB की टक्कर होगी। आज मिलेगा नया विजेता WPL सेकंड सीजन में। जी हाँ दोस्तों, पुरुष टीमों ने भी नहीं जीता है अभी तक खिताब। बात करें दिल्ली की तो 8 मुकाबले में 6, जबकि बेंगलोर ने सिर्फ 2 मैच जीते हैं। दोनों टीमों के बीच यह तीसरा मुकाबला होगा। जी हाँ दोस्तों, महिला प्रीमियर लीग का दूसरा सीजन अपने अंजाम तक पहुँचने वाला है, जबकि दिल्ली पिछले सीजन उपविजेता रह चुकी है। बात करें स्मृति मंधाना की अगुवाई वाली टीम ने शुक्रवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ एलिमिनेटर मैच में 5 रन से जीत दर्ज की, फाइनल में जगह बनाई। वहीं दिल्ली इस सीजन फिर से अंक तालिका पर शीर्ष रही और प्ले ऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। दोनों टीमों के बीच खिताबी जंग जबरदस्त है। जी हाँ दोस्तों, इस सीजन में दोनों टीमों का प्रदर्शन शानदार रहा। दिल्ली ने 8 मुकाबलों में कुल 6 मैच जीते हैं, जबकि RCB 4 मैच जीती है। बात करें कि दिल्ली की टीम को घरेलू कंडीशन का फायदा मिल सकता है। दरअसल यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। दिल्ली का पहला भारी क्यों है दोस्तों? दिल्ली ने इस मैदान पर कुल 4 मुकाबले खेले हैं। इसमें 3 मैचों में उसे घरेलू कंडीशन का फायदा मिला है, जबकि बेंगलोर को इसमें 4 मैचों में सिर्फ और सिर्फ 2 मैचों में जीत हासिल हुई है। RCB को इस मैदान पर हार का परसेंटेज ज़्यादा है। ऐसे में दिल्ली का पलड़ा भारी है। पुरुष टीमों में ने भी नहीं जीता है फाइनल। RCB और दिल्ली के फैंस के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। दोनों फ्रेंचाइजी की पुरुष टीम भी आज तक मुकाबला नहीं जीत पाई है। ऐसे में दुनिया को नया विजेता मिलने जा रहा है। RCB की पुरुष टीम 3 बार IPL की उपविजेता रह चुकी है।